फटाफट खबरों की रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचा दे। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई सर्वे जारी कर चुकी है। वजू खाना जो कि विवादित इलाका है, उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि आदेश यही है कोर्ट का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। रिएक्शन देखिए। महाराज को जिस तरह वो मुख करके बैठे हैं, वो अपने महादेव की प्रतीक्षा में हैं, और महादेव प्रकट होकर अपने नंदी के ऊपर कृपा करें। नंदी पर कृपा हो गई तो हम सब पे तो अपने आप ही हो जाएगी। मैं तो पूरी 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा ही कर रहा हूँ, और जिसका हमारे शास्त्रों में बड़ा विधान है, और आज मुझे उसका मुझे लग रहा है फल मिल रहा है कि आज वो फिर से प्रारंभ हो गया। काशी विश्वनाथ ने आज पहली कथा है, इस तरीके से आज के दिन सर्वे भी स्टार्ट। तो बस ये कथा का प्रभाव है, और प्रार्थना और विश्वनाथ का प्रभाव है कि मेरी कथा सफल हो रही है, कि आज कहते पूजा करने से तो कंकण में भगवान प्रकट होता है, तो जहाँ भगवान थे कथा से आज वहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। हाँ, मथुरा जन्मभूमि, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, और कृष्ण जन्मभूमि पर हम ये भागवत कथा का क्रम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जैसे यहाँ नंदी की प्रार्थना शुरू हुई है, और वहाँ पर भी नंद बाबा की प्रार्थना पूरी होगी। धन्यवाद। तो रिएक्शन सारे शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जब इंतजार किया जा रहा था कि पूरी टीम 30 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंचेगी, सर्वे शुरू होगा, लेकिन सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर, छावनी में तब्दील है ये पूरा इलाका। सर्वे के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण के साथ साथ फावड़ा, झाड़ू भी अपने साथ ले गई है टीम। पत्थर के टुकड़े, दीवार, नींव, दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी और उसका रंग, अवशेष की प्राचीनता के तथ्यों को टीम जुटाएगी। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे में सहयोग की बात कही, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया। सर्वे को देखते हुए जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेगा, जैसा कि उनका कहना है, और सुबह 10:30 बजे CJI की बेंच के सामने मामला रखेगा मुस्लिम पक्ष। साथ ही मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका पर CJI से जल्द सुनवाई की मांग भी करेगा। याचिका में ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के आदेश पर रोक की मांग करने की बात यहां पर मुस्लिम पक्ष कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि रिपोर्ट आने से पहले पहले वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मांग को रख ले। वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। साथ ही याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई। रोजाना पूजा की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है पूरे देशवासियों के लिए, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए। जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। 21 जुलाई का वो वक्त था जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद फैसला जैसे ही सुनाया गया तो जो एक पक्ष था हिंदू धर्म का, वो बेहद खुश नजर आया। हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया है, क्योंकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो 3 दिन तक सर्वे हुआ था और ये बात सामने आई थी, ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग है, ये उनका मानना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है यहाँ तो फवारा है, ये हमारा वजू खाना है, ये मुस्लिम पक्ष का मानना है। लेकिन 21 जुलाई को इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब एएसआई की 30 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंच चुकी है, सर्वे लगातार जारी है, जांच शुरू कर दी गई है, और जो कि जानकारी मिल रही है, फावड़ा भी टीम लेकर गई है, क्योंकि अब महत्वपूर्ण ये जांच है, झाड़ू भी साथ लेकर गई है, क्योंकि जो परिसर, जो इलाका है, वहां पर स्वास्थ्य ओम किचन है मिलने की बात यहां पर सामने आई है। और ये कहा गया है कि जो पिछला ढांचा है इस मस्जिद का, वो उस वक्त का है जो औरंगजेब के वक्त से भी पुराना है, यानी जिस वक्त ये मंदिर बना था, जिस वक्त ये शिवलिंग बना था, जिस वक्त कि ये नंदी है। और अगर ये पहला ही पॉइंट सिद्ध हो जाता है तो इसमें हिंदू धर्म की साफ साफ जीत होती समझी जाएगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे ही फैसला आया, खुशी का माहौल हिंदू धर्म में देखने को मिलेगा। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष जो है इस पूरे मामले का, इस सर्वे का विरोध करता नजर आ रहा है।